कानपुर में बिजली की अंधाधुंध कटौती को लेकर व्यापार मंडल ने कसी कमर। देखिए रिपोर्ट। रामपुर शहर के प्रभात गेट क्षेत्र के बिजली घर पर आज उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। उनका आरोप है कि रामपुर शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। आज इसी को लेकर शाहबाद गेट बिजली घर पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकजुट हुए और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी से बात की। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और अंधाधुंध कटौती को लेकर चेतावनी दी है कि यदि बिजली में सुधार नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन को तैयार होंगे। उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने बिजली विभाग को चेताया कि यदि उनकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन के लिए बाधित होंगे। बिजली विभाग ने अपनी समस्याओं को रखते हुए व्यापार मंडल के लोगों को अवगत कराया कि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ जाता है जिससे सप्लाई में दिक्कत आ जाती है। उन्होंने कहा ये कटौती नई नहीं है, आए दिन का धंधा बन गई है। व्यापार मंडल के लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के स्थान पर मात्र 9 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। यदि अंधाधुंध कटौती में सुधार नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। बिजली विभाग ने आश्वासन दिया है जितने भी सुधारात्मक कार्य है वह पूर्ण रूप से सही किए जाएंगे और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिया जाएगा। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से सारे व्यापारी बिजली घर शाहबाद गेट पर जमा, क्या मामला था बताइए। देखिए ऐसा है, ये व्यापारी जो हैं सिर्फ कोतवाली बाजार से लेकर और चाकू बाजार तक के चंद व्यापारी हैं और इनको परेशानी यह है कि पिछले 2 महीने से दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक बिजली बंद कर दी जाती है। कई बार यहाँ पर आने पर शिकायत की गई, इसकी यही से भी बात की गई, यहाँ के यही से भी बात की गई, हर बार कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। आज भी हमने यहाँ पर सब लोग बाजार में इकट्ठा थे, इन्होंने व्यापार मंडल को सूचना दी, हम लोग यहाँ पर आए थे, अध्यक्ष जी हमारे आए हैं, साथ में सब लोग हमारी कोर टीम आई है और इन लोगों की मांग यही है कि क्या वजह है हमें बताया जाए कि 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किस वजह से बिजली काटी जाती है। कोई संतुष्ट जवाब नहीं देता, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम पिछले 2 घंटे से बाज़ार में उनका इंतज़ार कर रहे थे, यही ने कहा हम अभी आ रहे हैं, जही ने कहा हम अभी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुँचे। अब पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात समझने को तैयार नहीं, न बताने को तैयार है कि क्या वजह है, किस वजह से बिजली बंद की जाती है। जब बात सुनने को तैयार नहीं है तो उसका हल क्या निकालेंगे लोग। और अगर इस बिजली कटौती के चलते मेन बाजार में अगर बिजली बंद हो जाएगी तो क्या व्यापार होगा। व्यापारी समाज पहले से ही परेशान है, अब उसकी बिजली कटने के बाद बिजली ना आने की वजह से हमारा सारा उस एरिया का बाजार बिल्कुल चौपट हो चुका है। क्या टाइमिंग है जो लाइट बंद करने का, जो फीडर है? दोपहर में 2 बजे बंद होती है, रात को 9 बजे आती है। कौन कौन से फीडर हैं? खास तौर से कोतवाली का जो फीडर है वहाँ पर यह खास परेशानी है, बाकी तो पूरे शहर में बिजली कटौती अंधाधुंध हो रही है, कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं है। सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, केवल व्यापार मंडल ही एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये काम उठा रहा है, ये बेड़ा लेके चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम बात सुनने का तो तरीका रखें। जो लोग ज़्यादा बिजली की शिकायत करते हैं उनके टेलीफोन को बंद कर देते हैं, उनका टेलीफोन को रिजर्व लिस्ट में डाल देते हैं, वो लोग बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ LIU विभाग खड़ा हुआ है, पिछले 1.5 घंटे से वो लोग खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब बुला दीजिए, किसी को बुला दीजिए, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम वार्ता हो जाए, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पर बैठकर हम धरना देंगे। विभाग विद्युत विभाग विद्युत विभाग। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।